बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को नाइन्थ क्लास इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगा। काफ़ी सारे बच्चे पेपर तो याद कर लेते हैं लेकिन उनको पेपर लिखना नहीं आता, तो उनके नंबर जो है वैसे ही कट जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको इंग्लिश का पूरा पेपर हल करने का पेपर पैटर्न बताऊंगा, किस तरीके से आपने चीज़ें लिखनी है, कहाँ पे आपने मार्कर यूज़ करनी है, कहाँ पे आपने मार्कर के बगैर लिखना है, क्वेश्चंस को नंबर कैसे देने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो आपका सब्जेक्टिव सेक्शन होता है, तो आप सबसे पहले लिखना है सब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है सेक्शन वन। ठीक है, नाइन्थ क्लास के लिए ये सेक्शन वन लिखना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर टू, मतलब सबसे पहला जो आप लोगों का एमसीक्यूज का जो है वो पोर्शन होता है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर टू आपने इस तरीके से लिखना है और मार्कर से इस तरीके से जो है वो दो लाइनें आपने लगा देनी है। उसके बाद आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों ने ये चीज मेंशन करनी है, आपने ये चीज मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर वन, ये देखिए इस तरीके से आपने लिखना है पूरा। ठीक है, आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने वन लिख के ब्रैकेट लगानी है और साइडों पे लाइनें लगा देनी है, इससे पेपर जो है काफी खूबसूरत नजर आता है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे लिखना है आंसर, आंसर लिखने के बाद ये आपने चीजें लिखनी है लाजमी तौर पर। उसके बाद आप लोगों ने आसानी के साथ जो है अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर इसका आंसर जो है वो लिख देना है। तो इस तरीके से आप लोगों का पहला आंसर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आपने किस तरीके से लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और आपने आंसर किस तरीके से लिखना है और उसका जवाब जो है नीचे वो किस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पहला क्वेश्चन जो है लिख देना है। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन लिखना है। देखो सेम इसी पैटर्न को आप लोगों ने फॉलो करना है और इसी तरह आंसर लिखना है, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आपने लिखनी है, ये पेज नंबर टू नाइन्थ है, ये आपने साथ मेंशन नहीं करना। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपने इसी तरीके से आपके पांच सवालात जो है वो पूरे कर लेने हैं। तो बच्चों उसके बाद ये देखिए आपके क्वेश्चन जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो ट्रांसलेशन वाला, जिसके अंदर आपने तर्जमा करना होता है, वो आपने स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री मार्कर के साथ इसी तरीके से। इंशाल्लाह अगर आपने ये तरीकाकार फॉलो किया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, ये आपने लिखना है। फिर आपने लिखना है अगर आप लोग पहले का तर्जमा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ए लिखेंगे, तर्जमा लिखेंगे, और साथ जो है वो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इसका तर्जमा जो है लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये चीजें लिखना लाजमी है क्योंकि इससे पेपर जो है वो अच्छा नजर आता है और निगरान के जहन में भी ये बात जाती है कि भाई बच्चा काफी अच्छा है और बच्चे की हैंड जो राइटिंग काफी अच्छी है, बच्चे का पेपर लिखने का अंदाज अच्छा है, तो बच्चे ने पेपर भी अच्छा लिखा होगा, इसके आंसर्स भी अच्छे होंगे। तो इसलिए इस तरीके से आप लोगों ने तर्जमा लिखना है बी पार्ट। इसी तरह जो अगला पार्ट होगा आप लोगों का वो आपने लिखना है। ये देखिए इस तरीके से आपने पूरा तर्जमा लिखना है, एक तर्जमा यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगला तर्जमा लिखना है सी, आप लोग लिख सकते हैं या जो भी सवाल का नंबर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो अगला तर्जमा भी लिख देना है। फिर अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर ए का तर्जमा भी लिखा हुआ है और फिर उसके बाद आप लोग आएंगे नेक्स्ट अपने। सो अगर आप लोग तर्जमा नहीं लिखना चाहते तो आप लोग उसे सिंपल इंग्लिश के अंदर जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंग्लिश जो है वो जो पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं वो बहुत ही कम लिखते हैं, बच्चे ज्यादातर जो है ये ट्रांसलेशन वाला ही पोर्शन करते हैं, तो आपने इसको तर्जमे के तौर पर ही लिख देना है। तो उसके बाद बच्चों आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर फोर आगे स्टार्ट हो चुका है, ये समरी वाला सेक्शन। आपने यहाँ पे देखे सेम ऐसे लिखना, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग माय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट। आप लोग कोशिश करें यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इस पे आप लोग मार्कर यूज करें, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इस पे आप लोग जो है वो पॉइंटर यूज कर सकते हैं ब्लू। अगर आप ब्लैक से कर रहे हैं तो पूरा पेपर जो है वो ब्लैक से करें ताकि चेक करने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। अब आपने सामने लिखनी कैसे है वो भी मैं आप लोगों को तरीकाकार बताता हूँ। तो बच्चों आपने इस तरीके से जो है वो समरी पूरी की पूरी अपनी लिख लेनी है। ठीक है, तो तरीकाकार आपने यही रखना है, इंशाल्लाह आपको फिर पूरे नंबर पेपर के अंदर लाजमी तौर पर मिल जाएंगे। ये उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोगों को जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर पांच, तो ये ईडियम्स वाला है। ठीक है, ईडियम्स फ्रेजिस आपने इसे किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे वर्ड, उसके बाद सेंटेंस लिखना है एक साइड पे और सेंटर में जो है वो आप लोगों ने मार्कर से लाइन लगा देनी है।
याद रहे कि आप लोग ये जो मार्जिन लाइन में आपको दिखा रहा हूं तो इस तरीके से आप लोगों का ईडीएम वाला पोर्शन जो है ये देखिए यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू होगा जिसे क्वेश्चन नंबर 6 का नाम देंगे आप लोग, वो होगा लेटर स्टोरी या डायलॉग। आपने सेम इसे ऐसे लिखना है, राइट अ लेटर, ठीक है, टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। सेम आपने जो वहां पे हेडिंग होगी वो लिख लेनी है। उसके बाद आपने पेपर लिखना कैसे, एग्जामिनेशन हॉल, फिर सिटी एबीसी, फिर आपने ये डेट वगैरह जो भी आपको होगी वो लिखना है, फिर आपने डियर फादर, डियर अंकल, डियर ब्रदर जो भी पोर्शन होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपने लास्ट पे आकर जो है वो अपना लेटर खत्म कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन शुरू होगा, उससे भी सेम आप लोगों ने इसी तरीके से जो है उसकी हेडिंग करनी है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है। फिर ये पहला क्वेश्चन लिखना है, ये है कॉम्प्रीहेंशन वाला, मतलब आपको एक डब्बा आएगा, डब्बे के अंदर इंग्लिश लिखी होगी इस तरीके से, आपने उस इंग्लिश को पढ़कर जो है नीचे आपके सवालात होंगे 1, 2, ठीक है, इस तरीके से आपने उनके आंसर्स करने हैं सवालात के। सो पहला क्वेश्चन ऐसे लिखना है, आंसर लिखेंगे साथ आप लोग यहाँ पर इसका आंसर ऐसे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने 5 के 5 सवालात के आंसर जो है यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। फिर उसके बाद ये आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर आपका आगे आएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है, आपको इंग्लिश उर्दू लिख कर आएगी ऐसे, आप लोगों ने उसकी इंग्लिश लिखनी है। ये टेंसेज वाला पोर्शन है, तो लिखना कैसे है ये बच्चों बड़ा ही एक कह लेंगे उमदा तरीका है। सबसे पहले एक नंबर या जो नंबर भी आप लोग लिखना चाह रहे हैं वो लिखें, डैश डालें, हम ये कारखाना नहीं चलाते। उसके बाद सिंपल अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर आपने जो है उसका आंसर लिख देना है, आपके दोस्त ने कब शादी की, ठीक है, इसी तरीके से आप ये दूसरा लिखेंगे और उसका आंसर जो है आप लोगों ने ये देखें यहाँ पे इस तरीके से जो है वो मेंशन कर देना है। अगर आप लोग इस तरीके से अपना लिखेंगे तो आप लोगों का 100% जो है ये चीज सही हो जाएगी और आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर जो है वो मिलेंगे। बाकी गेस्ट पेपर आप लोगों का मैंने तकरीबन काफी अपलोड कर दिया है, स्टोरीज और लेटर्स भी मैंने अपलोड कर दी है, अगली वीडियो के अंदर आपको ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी और बाकी चीजें जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए अगर आप लोग चैनल पर आएंगे हमारे ये डियर स्टूडेंट्स पर तो आप लोगों को जो है यहाँ पर तमाम गेस्ट पेपर्स दिख जाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस के अंदर आए। और जैसे आप लोग आएंगे ये देखिए लेटेस्ट स्टोरी के गेस्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है, जो पेपर स्कीम है आपकी वो भी अपलोड कर दी है और गेस्ट पेपर के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बता रखी हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इनको लाजमी फॉलो करिएगा अगर आप लोग भी अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। और अगर आपको पेपर शीट फिल नहीं करना आती तो आप लोग इस मेथड से पेपर शीट भी फिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो जाए। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।